नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। राजस्थान में पिछले चार चुनावों से सत्ता विरोधी लहर के कारण कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। हर बार सत्ता बदल जाने की परंपरा को इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तोड़ने का दावा कर रहे हैं। वह हर वर्ग को साध रहे हैं। यही कारण है कि इस बार के बजट में उन्होंने किसान, महिला, कर्मचारी, युवा और मध्य वर्ग को खुश करने के लिए सरकार के खजाने को पूरी तरह से खोल दिया है, ताकि 8 माह बाद चुनावी मैदान में उतरने जा रही कांग्रेस को कहीं एंटी इनकम्बेंसी की मार नहीं झेलनी पड़े। इसी के चलते घोषणा में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। इसी के साथ अब राज्य में 50 से ज़्यादा जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बन गए हैं। जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोत्रा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना, कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खेरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलुम्बर, जालौर से सांचौर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। चुनावी साल में सभी सरकारें बहुत सी घोषणाएं करती हैं। अब देखना तो यह होगा कि कितना जल्दी इन घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आरपीडी न्यूज़ टीम, राजस्थान।